आज आपके साथ कुशल और आज का टॉपिक है एक्वेरियम सेटअप और एक्वेरियम में कैसे मछलियों को जिंदा रखें। तो आपके माइंड में पहला सवाल आएगा कि एक्वेरियम में मछलियाँ क्यों मर जाती हैं। तो आप लोग अच्छे से अच्छे हाइडिंग प्लेसेस और अच्छा सेटअप अगर एक्वेरियम में देंगे तो मछलियाँ इतनी जल्दी नहीं मरेंगी। तो अगर आप मछलियों को ज़िंदा रखना चाहते हैं और अच्छे से अच्छे डेकोरेशन करना चाहते हैं अपने एक्वेरियम में, तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर का बटन दबाना ना भूलें। तो एक्वेरियम में हमारा मछली क्यों मरती है? क्योंकि हम लोग अच्छे से अच्छे हाइडिंग प्लेसेस उसमें नहीं दे पाते। अगर आप लोग अच्छे से अच्छे हाइडिंग प्लेसेस और ज़्यादा से ज़्यादा हाइडिंग प्लेसेस अगर एक्वेरियम में देंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगी। तो उसके बाद हमारा आता है जो लाइटिंग कैसे करें। तो अगर आप छः घंटे से सात घंटे तक अगर आप लाइट को बंद करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आप लाइव प्लांट रखते हैं तो भी आप 6 से 8 घंटे तक लाइट को बंद रखें, क्योंकि लाइव प्लांट्स को इतनी भी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती। तो हम लोग अभी देखते हैं एक्वेरियम को सेटअप कैसे करना है। तो एक्वेरियम में हमारा मछली क्यों मरती है? क्योंकि हम लोग अच्छे से अच्छे हाइडिंग प्लेसेस उसमें नहीं दे पाते। अगर आप लोग अच्छे से अच्छे हाइडिंग प्लेसेस और ज़्यादा से ज़्यादा हाइडिंग प्लेसेस अगर एक्वेरियम में देंगे तो वो बहुत 2 से ज़्यादा पावर फिल्टर्स यूज़ करते हैं, तो आप एक ही यूज़ कीजिए, क्योंकि एक मछलियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपका 4 फीट का एक्वेरियम है तो आप एक ही पावर फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका टैंक 4 फुट से ज़्यादा है लेंथ में तो आप 2 मोटर यूज़ कर सकते हैं, मतलब पावर फिल्टर्स। अगर आप स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ करते हैं 4 फीट के टैंक में तो आप 3 स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। और स्पॉन्ज फिल्टर का काम ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसके लिए मैं प्रेफर करूँगा पावर मोटर या आप यूज़ कर सकते हैं या पावर फिल्टर्स।
यहाँ पे व्लॉग को एंड करने वाला हूँ। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी डालने वाला हूँ और उसका टॉपिक मैं बाद में बता दूँगा। और इस वीडियो से आप देख सकते हैं कैसे सेटअप करना है और कैसे आप लोग मछलियों को ज़िंदा रखें, उसके लिए मैं टिप्स भी दे चुका हूँ। तो इसके अगले वाले वीडियो के लिए आप करें के तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बुक कीजिए और नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें।